नमस्कार। परेशान सब है, कोई सच से परेशान है, कोई सच में परेशान है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चला है और लोगों को वोट देना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, लेकिन देश के हालात क्या है? क्या इस चुनाव में ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ है? मतलब क्या ये चुनाव बिना विपक्ष के लड़ेगी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी? एक सवाल उठता है, सवाल कई है, किसकी चर्चा की जाए? जन सरोकार की खबरें तो गायब है। चुनाव के ठीक एक महीने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है ईडी। किसान जो है वो आपको बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के साथ आ जाते हैं। कई कड़ियां हैं, अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चुनाव जो है बिल्कुल अकेले लड़ने का वाकई प्लान है किसी का। चुनाव से ठीक पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के मुखिया नहीं रह पाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, ये राजतंत्र नहीं है। हम सिर्फ एक सिलसिलेवार तरीके से कुछ बातों को रख रहे हैं, समझना और समझाना आपका काम। ठीक चुनाव से पहले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो जाती है। अब आप इसको कहेंगे कि भाई बिक गए कांग्रेस के विधायक तो इसमें बीजेपी का क्या मतलब है? मेरे को भी कोई मतलब नहीं, बस कड़ियों को देखते जाए। चुनाव से ठीक पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, खाते में बंद कर दिया जाता है, जितने पैसे हैं सब खत्म। कल जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी तमाम लोग आकर बोले कि पैसा नहीं है, कैसे चुनाव लड़े हम? और चुनाव के ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से जो जानकारी आती है वो हजारों करोड़ों रुपए की जानकारी आती है, एक स्कैम दिखाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध बताता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया गया जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा गलत है। चुनाव से ठीक पहले जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी दीजिए, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे शोर शराबे में रहती है कि किसी तरह से ये मामला टल जाए। और दरअसल क्या है, उससे भी बड़ी बात है, मीडिया जो है अपने तमाम कार्यक्रमों में राइजिंग इंडिया, बढ़ता हुआ भारत ऐसे हेडलाइन से प्रोग्राम बनाता है और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को, उसके नेताओं को अपने कार्यक्रमों में बुलाता है। अब समझिए कि चुनाव कैसे होगा। क्या वाकई में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है और अमृतकाल के इस मौजूदा काल में हो रहा है, उसमें देश में जो माहौल है, इस माहौल में वोटर क्या इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरीके का मौके का मुहैया कराएगी साधन कि सभी लोग एक लेवल से प्ले करेंगे और सभी प्रमुख पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से बातों को रख पाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? विपक्ष के नेता को अगर आप पैसा ही खत्म कर देंगे ठीक चुनाव के पहले, ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में भी आ सकता है, लेकिन अगर वो 3-4 महीने के बाद आता है तो फिर ये जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस सिर्फ अपने दफ्तरों में अपने नेताओं को बैठाएगी और वहीं से सोशल मीडिया के जरिए वो बोल पाएगी? अरे, इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल ही जो है आईटी एक्ट में एक संशोधन करके अधिनियम लाई थी सरकार ने कि जो जितने भी खबरें हैं उसका जो फैक्ट चेक है, सही है या गलत, ये सरकारी अधिकारी तय करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तत्काल,
प्रभाव से, जब तक कि इस मामले का फैसला मुंबई हाईकोर्ट से नहीं आता है। चुनाव के ठीक पहले ऐसी ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं कि उससे ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव जो है कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। होगा क्योंकि होना तय है, तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं, लेकिन कांग्रेस हो या विपक्ष हो, अगर उसके सारे नेता जेल में चले जाएंगे और उसके खाता में पैसा नहीं रहेगा तो वो अपनी बात को जनता के पास कैसे रखेंगे? एक बड़ा सवाल तो उठता है, जनता की आवाज को कौन सुनेगा? सोनम वांगचुक लद्दाख की कुछ मांगों को लेकर के पिछले 16 दिन से कड़कड़ाती ठंड, -15 डिग्री 11 डिग्री सेल्सियस में वहां पर अनशन कर रहे हैं। उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, न मीडिया न सरकार, विपक्ष का नेता भी उस आवाज को नहीं उठा पा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं कि क्या विपक्ष विहीन चुनाव होगा? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक नहीं हूं और अरविंद केजरीवाल कोई बहुत सहानुभूति के पात्र नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी की फोटो को वो अपने दफ्तर से निकाल देते हैं, इसलिए बहुत बहुत सहानुभूति नहीं है। जो गांधी को नहीं मानता है उसको आप कैसे मानेंगे? कैसे? मैं तो नहीं मानता। और अपनी पार्टी में एकाधिकार जो अच्छे से लोग थे उनको बाहर कर दिया, बना ली एक कुंडली। सवाल अरविंद केजरीवाल की अच्छाई और उसकी बुराई पर नहीं मैं बात कर रहा हूं, बतौर कई चुनावों को देखने के बाद ये मैं देख रहा हूं कि इस चुनाव में जिस तरीके से, जिस टाइमिंग पर एक चुने हुए प्रतिनिधि को रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना नहीं कर रहा, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा हूं। कोर्ट में मामला है, कोर्ट क्या फैसला देता है वो कोर्ट समझेगा, अरविंद केजरीवाल समझेंगे। मेरा तो बस ये सवाल है कि जिस तरीके से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक लद्दाख में बैठे हुए हैं, विपक्ष का खाता फ्रीज है, एक एक करके विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, ठीक चुनाव के समय में, चुनाव के पहले, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं कही जा सकती है। आखिर क्या है इसका उपाय? आप पूछेंगे कि इसका उपाय क्या है? अगर कोई करप्ट है तो जेल जाएगा, बिल्कुल जेल जाना चाहिए, लेकिन टाइमिंग भी देखी जानी चाहिए। अब देखिए, जैसे मानिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने दावा किया कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक समान मुहैया कराएंगे प्लेटफॉर्म, ताकि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा सके। मतलब अगर कोई अधिकारी या कोई नेता संसाधनों का गलत इस्तेमाल करेगा, सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर हेट स्पीच देता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन पहला दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगा। क्योंकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री के सरकारी हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग पर सवाल उठाया, चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए कहा। इधर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है, ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, उसके तरफ से विकसित भारत का मैसेज भेजा गया, उस पर भी कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया। हालांकि उस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई की है चुनाव आयोग ने और कहा कि अब रोक दीजिए। लेकिन क्यों भेजा, क्या कार्रवाई की, आपको याद होगा इंदिरा गांधी जो चुनाव इंदिरा गांधी का जो मामला है, उसके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया था। इसी आधार पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया और फिर देश में आपको याद होगा कि कैसे इमरजेंसी लग जाती है। कई लोग
वर्तमान हालात को देखते हुए इमरजेंसी की संज्ञा दे रहा है। हो सकता है कईयों को ये इमरजेंसी लगे। हालात बद से बदतर है। कोई स्वस्थ लोकतंत्र में, एक स्वस्थ देश में इस तरह की घटनाएं, खास करके विपक्ष को कमजोर कर देना और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरीके से 30 साल पुराना, मतलब सीताराम केसरी को दिवंगत हुए काफ़ी दिन हो गए, 30 साल पहले वो कांग्रेस के खजांची थे, उनके जमाने की कोई मामला है, कोई मामला है उसको आधार बनाकर ये इनकम टैक्स कांग्रेस पार्टी के खातों को पर दंड लगाती है। मतलब सोचिए, गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है। ठीक चुनाव के पहले देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। मीडिया पर बात ही नहीं करना है, क्योंकि मीडिया तो मीडिया है नहीं कि मीडिया पर बात करेंगे। मीडिया तो फ्रंटल सेना है। सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की, मोदी सरकार की सबसे बड़ी सेना मीडिया बन चुकी है, जो हर बात पर मोदी सरकार की बड़ाई करती है और विपक्ष की खिंचाई करती है। कोई आधार हो चाहे ना हो, कोई बड़ी खबर आ जाए उसको नहीं दिखाना है। जैसे बिहार में आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं के ऊपर पुलिस ने घरों में घुसकर छतों पर जा करके डंडा बरसा रही है महिलाओं पर। सोचिए, पुलिस का आतंक जो है घर के अंदर तक पहुंच जाता है, उसके बाद भी इस पर मीडिया कोई चर्चा नहीं करता है। ये दुखद पहलू है। सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार चाहेगी और तुरंत अपना देश जो है, लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश तो हो रही है और वो दिख रहा है। आप उसको माने, अगर आप समर्थक हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन देश के माहौल को देखते हुए जिस तरीके से विपक्ष विहीन चुनाव कराने की जो कोशिश हो रही है उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी जानकारी कल ही, उनकी गिरफ्तारी के ठीक आधे घंटे, एक घंटे पहले इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर डालता है। और इतनी बड़ी खबर कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी देश को ना मालूम हो पाए, हेडलाइन चेंज हो जाए, इसलिए आनंद फानंद में ईडी जो है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है और फिर देश में सारी खबरें गायब हो जाती हैं। आपको पता है कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन्होंने एक मंत्री को नियुक्त करने, मतलब उसको शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। समझिए, राज्यपाल का काम क्या है कि वो मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री, उनकी अनुशंसा को लागू करना या उनकी बात मानना राज्यपाल का ये अधिकार है। लेकिन उन्होंने अपने पता नहीं कौन सा अधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि नहीं, मैं इनको इसलिए ओथ नहीं दिलवाऊंगा क्योंकि ये दागी विधायक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को स्टे कर दिया है। तमिलनाडु सरकार आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, वहां से जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है और एक दिन का समय देती है सुप्रीम कोर्ट, ये कहते हुए केंद्र सरकार के जो वकील थे कि सॉलिसिटर जनरल साहब, आप अपने राज्यपाल को बता दीजिए कि अगर वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो हम एक ऐसा ऑर्डर पास करेंगे जो बहुत मुश्किल होगा फिर राज्यपाल साहब को, कल तक का हम समय देते हैं, मतलब आज। और आज जैसे ही कोर्ट खुला तो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि हुजूर, राज्यपाल ने सहमति दे दी है, राजी हो गए हैं, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। जिस मंत्री को राज्यपाल अपने विशेषाधिकार के बलबूते पर उनको मंत्री पद की शपथ नहीं दिला रहे थे उसको शपथ दिलाने पर खुद तैयार हो गए। सोचिए, अगर कोर्ट की मार नहीं पड़ती तो शायद राज्यपाल अपना खेला करते, मतलब राज्यपाल की भूमिका हो गई है खेला करने की, डिस्टर्ब करने की। अरविंद केजरीवाल के केस में भी आपने देखा होगा कि हर समय
यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कैसे कैसे बयान देते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को देखिए, झारखंड के राज्यपाल को देखिए, लेकिन जो गैर विपक्षी राज्य है, जो मतलब बीजेपी का जहाँ शासन है, वहाँ के राज्यपाल शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। गड़बड़ी सिर्फ दिखाई पड़ रही है जहाँ पर विपक्ष का शासन है, ये सच है और इसको देश को मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु के राज्यपाल क्या कर रहे हैं और झारखंड के राज्यपाल क्या कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कल ही कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव ने बिना शर्त माफी भी मांगी है। माफी क्यों मांगी है? क्योंकि उनकी दवाइयों का जो प्रचार सामग्री था वो भ्रामक था, तथ्य से परे था, मतलब सच्चाई नहीं थी। कोर्ट ने जब डांटा और बोला कि एफिडेविट दीजिए, तो उन्होंने देने से भी इनकार कर दिया। तब जब कोर्ट ने उनको सख्ती दिखाई तो कल बिना शर्त माफी मांगने पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। ये भी एक बड़ी खबर है कि माफी मांगना बड़ी खबर नहीं है। माफी किस लिए मांगी है? अपने जो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें दावा करते हैं कि इस दवा से ये चीज़ ठीक हो जाएगा, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात को पहुंचाया, बताया कि रामदेव की जो दावा है वो भ्रामक है, गलत है इसके लिए। और वो धड़ल्ले से अपना विज्ञापन टेलीविजन चैनल पर चला रहे थे। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार चुप्पी साधे हुई थी। केंद्र सरकार पर भी बड़ा सख्ती दिखाई, कई तरह के सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। कहने का मतलब यह है कि सरकार की कोशिश है कि कैसे तंत्र पर कब्जा किया जाए ताकि ये चुनाव में 400 का आंकड़ा पार हो जाए। इससे दो बात साबित होता है, या तो मोदी सरकार डर गई है कि 400 आंकड़ा नहीं आ रहा है, या नहीं तो किसी भी तरीके से ये चुनाव जीतना चाहती है। सवाल तो उठेंगे, लोग तो पूछेंगे जब तक कि आप इमरजेंसी न देश में लग जाए। मेरा भी ये वीडियो तब तक बनेगा जब तक कि सरकार इस पर पाबंदी न लगा दे। तो कुछ सवाल तो उठाया जाएगा कि देश का किसान सड़क पर है, बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। सोनम वांगचुक जो मशहूर वैज्ञानिक है, क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं, बेरोजगार सड़क पर है, मुख्यमंत्री जेल जा रहा है और विपक्ष का खाता मतलब कि अकाउंट खत्म हो गया, पैसे नहीं है, तो चुनाव कैसे लड़ेगा? सवाल तो उठेगा। ये सब खबरें आपको मुख्य धारा के मीडिया में नहीं मिलेगी। मैंने कोशिश की है कि कुछ खबरों को आपके पास बताया, बाकी आप मालिक हैं, जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में। तब तक जब तक कि इमरजेंसी न लग जाए देश में, हालात कैसे हैं उसका आकलन आप खुद करिए। आप समर्थक हो सकते हैं बीजेपी के, आप विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश के हालात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि एक विपक्ष का पार्टी के पास पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा। इसका सीधा सा जवाब कोई दे दे तो मैं समझ जाऊंगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि आप घर में बैठिए, मैं चुनाव प्रचार करूंगा, क्या यही साजिश है? इसलिए मैंने शुरू में कहा था, परेशान सब है, कोई सच में परेशान है, कोई सच से परेशान है। नमस्कार।